नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चलेगांव के और टीम से। पितृपक्ष शुरू हो गया है और आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, कितने दिनों का होता है और इसकी पौराणिक कथा के अनुसार क्या क्या विवरण और वर्णन किया गया है। पितृपक्ष अश्विनी मास की प्रथमा से शुरू होकर अमावस्या को समाप्त होते हैं। ये 15 दिन पितृपक्ष के नाम से प्रचलित है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा श्राद्ध करते हैं। सनातन धर्म परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों में पितृ ऋण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है जिन माता पिता ने हमारे उज्जवल भविष्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट सहे हैं। उनके ऋण को चुकाना सबसे कल्याणकारी ऋण है। पितरों का ऋण श्राद्ध कर्म के द्वारा ही चुकाया जाता है, जिससे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुत्रों को ऋण से मुक्ति। श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पुण्य की फल प्राप्ति होती है। श्राद्ध का मतलब पितरों के प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा है। कहा जाता है कि पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर काल में कुंती पुत्र कर्ण परम प्रतापी राजा था। वह नित्य ब्राह्मणों को सोना और चांदी दान किया करता था, परंतु राजा कर्ण ने सोना और चांदी के सिवाय किसी अन्य वस्तु का दान नहीं किया और अपने पूर्वजों को कभी अन्न दान नहीं किया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई तो वह अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वहां पहुंचकर उसे स्वर्ण निर्मित भव्य महल रहने को मिला, परंतु उस स्वर्ण महल के अंदर कुछ भी नहीं था। यह देखकर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उसने पूछा, हे देवराज इंद्र, मैंने तो पूरी जिंदगी इतना सोना चांदी का दान और पुण्य किया है, फिर मुझे यह खाली स्वर्ण महल क्यों मिला? तब देवराज इंद्र ने बताया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना और चांदी का दान किया, परंतु अपने पूर्वजों और ब्राह्मणों को कभी अन्न दान नहीं किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह खाली स्वर्ण महल रहने को मिला है। मनुष्य मृत्यु लोक में जो कुछ दान करता है वह उसे यहां प्राप्त होता है। इस भूल के लिए कर्ण को बहुत पछतावा हुआ और उसने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, उसे एक पक्ष के लिए पुनः पृथ्वी पर जाने की अनुमति दें, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। कर्ण की प्रार्थना पर देवराज इंद्र ने उसे अपनी गलती को सुधारने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उसका शरीर पुनः जीवित हो उठा, जिसके बाद कर्ण ने 15 दिन तक बड़े ही संयम और सदाचार से अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध पर उनको आहार दान किया, तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। 15 दिन के बाद उसका पुनः स्वर्गवास हो गया और अब की बार कर्ण के संयमित जीवन, सदाचार और दान के फलस्वरूप उसे स्वर्गलोक के में सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि दानी कर्ण के ये 15 दिन पितृपक्ष के थे, तभी से पितृपक्ष में संयम, सदाचार और दान आदि की अतिशय महिमा बताई गई है। श्राद्ध में गाय को, कुत्ते को व कौवे को अवश्य भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त होता है और श्राद्ध में किए गए तर्पण से प्रसन्न होकर पितर सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। जा पितरो अमे मातेरो अगर
कुछ और भी हो। हरे ओम केदार कंडारनाथ में। देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कार्य करने से पहले अपने पितरों को याद किया जाता है, चाहे शादी हो या और कोई फंक्शन। पितरों को याद करने की परंपरा हमेशा से रही है। पितरों को जागर के में इन्हें याद किया जाता है। हुड़की, डौर, थाली के द्वारा पितरों को नचाया तथा उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। चले गांव की और टीम का भी यह प्रयास हमेशा रहा है, जो पितर हमारे साथ हमारे बीच नहीं है, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। अपने पितरों को याद करने की एक झलक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना को राकेश गोसाई जी की आवाज में अपने पितृ देवताओं को चले गांव की और ने याद किया है, और जिससे उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदा बना रहे। दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। पर सुरक इत गा बिंगे जा, पर सुरक इत गा बिंगे जा, दूरंगी क्यान वे गई। दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। रात भर तेरी छुयूं मां हुंग रदेणु रो बिजी, हुंग रदेणु रो बिजी। रात भर तेरी छुयूं मां हुंग रदेणु रो बिजी, बिन्स रिम मेरी बारी आई सर्व ज्ञान से गई, सर्व ज्ञान से गई। पर सुरक इत गा बिंगे जा, पर सुरक इत गा बिंगे जा, दूरंगी क्यान वे गई। दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई, आसमाने वे गई। बालापन को तेरू लपोड़ू रंग छुटल अब कानू करी, रंग छुटल अब कानू करी। बालापन को तेरू लपोड़ू रंग छुटल अब कानू करी, गोल बीनी लेन दे सर जाने वे गई, सर जाने वे गई। पर सुरक
ईदगाह बिंगे जा पर सुरक ईदगाह बिंगे जा दूरांगी क्याने वे गई दूर चली गे माना अब तू आसमाने वे गई आसमाने वे गई। यकीत सच्ची बात भी अटकीच बीच गोलमा अटकीच बीच गोलमा यकीत सच्ची बात भी अटकीच बीच गोलमा एक तू भी छे कि झूठा सो बज्ञाने खे गई सो बज्ञाने खे गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा बिंगे जा दूरांगी क्याने वे गई दूर चली गे माना अब तू आसमाने वे गई आसमाने वे गई। छिबड़ाट वे ना द्वार खुलनी नते छुयालुन छुई लगेनी नते छुयालुन छुई लगेनी छिबड़ाट वे ना द्वार खुलनी नते छुयालुन छुई लगेनी सुरक सुपुन्यम ए कि चली गे अर एहसाने के गई अर एहसाने के गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा बिंगे जा दूरांगी क्याने वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई दूरांगी क्याने वे गई आसमाने वे गई। दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई आसमाने वे गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा बिंगे जा दूरांगी क्याने वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमाने वे गई आसमाने वे गई। रात
भर तेरी छुयू माँ हुंग रदेणु रो बिजी हुंग रदेणु रो बिजी रात भर तेरी छुयू माँ हुंग रदेणु रो बिजी बिन सरिम मेरी बारी आई सर्व ज्ञान से गई सर्व ज्ञान से गई पर सुरक इत गाविंगे जा पर सुरक इत गाविंगे जा दुरंगी क्यानी वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई को तेरु लपोड़ू रंग छुटलो अब कानू करी रंग छुटलो अब कानू करी बालापन को तेरु लपोड़ू रंग छुटल अब कानू करी गोल बीनी लेन दे सर जानी वे गई सर जानी वे गई पर सुरक इत गाविंगे जा पर सुरक इत गाविंगे जा दुरंगी क्यानी वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई यकीत सच्ची बात भी अटकींच बीच गोलमा अटकींच बीच गोलमा यकीत सच्ची बात भी अटकींच बीच गोलमा एक तू भी छे कि झूठा सो बज्ञाने खे गई सो बज्ञाने खे गई पर सुरक इत गाविंगे जा पर सुरक इत गाविंगे जा दुरंगी क्यानी वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई छ
शिवड़ाट वे ना द्वार खुलनी नते छुयालुन छुई लगेनी नते छुयालुन छुई लगेनी छिबड़ाट वे ना द्वार खुलनी नते छुयालुन छुई लगेनी सूरक सुपुन्यम ए कि चल गे अर एहसानी के गही अर एहसानी के गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा बिंगे जा दूरंगी क्याने वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई दूरंगी क्याने वे गई आसमान वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा बिंगे जा दूरंगी क्याने वे गई दूर चली गे मान अब तू आसमान वे गई आसमान वे गई रात भर तेरी छुयूं मां हुंग रदेणु रो बिजी हुंग रदेणु रो बिजी रात भर तेरी छुयूं मां हुंग रदेणु रो बिजी बिंस रिम मेरी बारी आई सर बग्याने से गई सर बग्याने से गई पर सुरक इतगा बिंगे जा पर सुरक इतगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।